मेरे तो 20-25 रोज हो गए बात है, तकरीबन 14-14.5 लाख रुपये, फिर 2 लाख और आगे उसके अंदर मतलब संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी बताते हैं कि भाई हम बंद कर रहे हैं, वो तो यही कहेंगे चालू है, कौन का कौन कह रहा बंद हो रही है भाई, ये तो कोई बैठा कोई सिस्टम हो सीजना था मेरे को तो थोड़ा ही भाई नहीं है, पता ही नहीं था अपने को, गांव में आते थे सामान लेने के लिए, पता नहीं था इसके बारे में, अब क्या बताएं शिव। आजकल कतांग लोग आ रहे हैं, बीके बारे में पूछ बता, बीके बारे में पूछ बता, कतांग लोग आ रहे हैं नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज 24 सिखावटी। जो पिछले दिनों में एक कंपनी का स्कैम होने का वो बड़े वीडियोस आ रहे हैं, काफी दिनों से लोग इस पे मतलब कॉल डिटेल्स जो है वो शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूट्यूब आपने सब जगह देखा होगा, धोलेरा जो प्रोजेक्ट है गुजरात का उस पर, यहाँ जो पनलावा गांव के जो दो युवक थे उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी थी एवरग्रीन नाम से, और इसमें वो लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते थे, और उसके बाद में एक बड़ा स्कैम हुआ, कंपनी का जो अकाउंट है वो डिलीट हो गया, और उसके बाद में लोगों को असमंजस में कि उनके आखिर उनके साथ हुआ क्या है, उनके पैसे का क्या होगा। तो अभी हम पहुँचे हैं जो सुभाष जी बिजारनी है उनके घर पे, ये घर आपको हम दिखा देते हैं, कैमरामैन साहब से कहना चाहूँगा कि आप घर को एक बार दिखा दें, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई अचानक से ऐसे भाग जाएगा या फिर ये कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पे बसे हुए हैं, और ये है नहीं कि यहाँ पे घर बार छोड़ के चले जाएंगे, जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ से इस घर के अंदर अभी बस आई थी स्कूल बस, और उसमें बच्चे भी आए थे मतलब इनके परिवार, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इनके परिवार के लोग होंगे नहीं, या फिर ये जो लोग बैठे हैं, क्योंकि हम तो जानते नहीं हैं बाहर से आए। और देखिए जिस तरीके से घर वगैरह बना हुआ है, आपको एक जैसे गेट के अंदर अपन जैसे ही घुसते हैं, घुसते ही आपको जो चिड़ियों के लिए दाने रखे हुए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं भरा भरा पूरा पीछे कैसा अच्छा घर भी बना हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि ये मतलब इतना बड़ा कोई यहाँ पे ऐसा कोई घपला करके चला जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इनसे एक ह्यूमिलिटी दिखती है कि हाँ देखिए पशु पक्षियों के लिए भी दाना डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भाग गया ऐसा कुछ स्कैम हुआ होगा। अब मेन चीज़ ये है कि आखिर में जो लोग बता रहे हैं वो लालच में आके अगर इन्वेस्ट किया है, तो फिर इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहता है कि कुछ लोगों के अगर पैसे बर्बाद हुए तो वो बताना भी नहीं चाहते। फिर भी अगर आपका आसपास में ऐसी कोई आपको जानकारी है जो पुख्ता हो, ऐसा नहीं वैसे आपने कर दिया कि हाँ हमने भी इतने इन्वेस्ट किए थे वो किए थे, ये ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए, और उसके बाद में ही आप कमेंट करें तो हमें पता चलेगा एक्चुअली में ऐसा कुछ हुआ है। फिलहाल जो कल परसों से वीडियोस आ रहे थे कि यहाँ पे आके लोग इनके पास में आके रोवा धोवा रोना धोना कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो जो वीडियो था अभी हम जैसे आपको घरों घर की जो लाइव लोकेशन है वो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ लोग जो बैठे हैं ये इनके कोई रिश्तेदार वगैरह कुछ आए हुए थे, और ना कुछ हमें तो ऐसे कोई लोग दिख रहे, या फिर ऐसे अपन जैसे घर के अंदर इंटर होते हैं, यहाँ पे बताया था कि कल कोई कैमरे वैमरे लगाए हैं, वो भी कैमरा लगा हुआ है सामने वो दिख रहा है इधर से, ये इस पर भी कुछ लोगों ने वीडियो बना रखे थे कि ऐसे हो रहा है। अब आप अंदर आएंगे देखेंगे कि जैसे इनकी बाइक्स वगैरह यहाँ पे खड़ी हैं, तो ये नहीं कि कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए वो हो गया, जिन लोगों ने पैसे लगाए थे या फिर जो लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वेस्टमेंट के जो भागीदार हैं वो बड़े असमंजस में इस टाइम में कि वहाँ पे कुछ है नहीं, वो छोड़ छाड़ के चले गए, ऐसा यहाँ पे ये भाई इनके संपर्क में काफ़ी दिनों से और परिवार में इनका आना जाना रहता है। भाई साहब आपको भी कभी ऐसे मतलब वो हुआ था कि यार हमें भी इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको भाई साहब पहले से भी इच्छा नहीं थी अभी भी इच्छा नहीं है, मतलब खेती का काम करता हूँ घर पर रहता हूँ, और रही बात दूसरी गांव में ये मेरा यही गांव है, ताऊ जी से मेरा संपर्क है काफ़ी पुराना, घर वालों का पिताजी का सबका संपर्क था, इसलिए आया हूँ चाय पीने के लिए वैसे ही, और इसके बारे में मुझे जीरो ही नॉलेज है। हाँ क्या बताऊँ इसके बारे में, बता ही नहीं सकता। पहले से मतलब जैसे इन्वेस्ट करते थे लोग उस टाइम में आपको पता तो था ना कि किस तरीके से कंपनी है? बिल्कुल नहीं पता, सुना है भाई ऐसे, भाई गांव में किसी दोस्त के पास बैठते तो सुना है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, अब पता नहीं किसी के बारे में अपने पूछने की जिज्ञासा ही नहीं थी भाई क्या कंपनी का नाम है क्या नहीं है, पता ही नहीं था अपने को, गाँव में आते थे सामान लेने के लिए, पता नहीं था इसके बारे में, अब क्या बताएं इसी विक्र, अब अरे इसमें इन्वेस्ट था तो मुझे कंपनी के बारे में जो भी कंपनी बनाई है कोई प्रोजेक्ट है इनके बारे में नॉलेज वैसे तो है नहीं, मैं तो घर पर काम करता हूँ, मैं तो इस गांव का इसी हालांकि इसी गांव का, अब मैंने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो मैं क्या बता पाऊँ भाई इस मामले में। यहाँ पे आप अभी आए हो या फिर पहले? 5-7 मिनट में अभी आया हूँ चाय पीने के लिए, वो लाइन रख के आया हूँ अभी चाय पीने के लिए, वो अब चला जाऊंगा बस। यही वैसे अपन देख रहे हैं लोगों का आना जाना तो हो रहा है, इसका मतलब लोगों ने इन्वेस्ट तो किया ही है। मैं तो अभी आया हूँ 7-8-10 दिन से, खाने मतलब 7-8-10 दिन से अभी आया हूँ, तो मैं इसके बारे में क्या बता पाऊँ,
भाई इनसे और भी यार दोस्त हैं, इनको पता होगा मेरे बारे में, मेरे को तो जेलू है नोले, मैं 10 मिनट पहले अभी आया हूँ। इन ताऊ जी से है या ताऊ जी? ताऊ जी अभी संपर्क है आपका इनसे? नहीं कोई संपर्क नहीं, कोई गायब हुए हैं या फिर कब लास्ट बात बार कब बात हुई थी? मेरी तो 20-25 रोज हो गए बात, 25 रोज बात नहीं हुई। क्या अभी स्कैम तो अभी हुआ है, इससे पहले ही बात नहीं हो रही थी? नहीं बात तो वो जरूरत वजना कल्याण काम होना कल्याण क्या भी बात करना। लोग तो आ रहे हैं तो आपको क्या बता रहे हैं कि हमारे कितना रुपए लगभग लोग कितने दिन बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं, मैं क्यों पूछूंगा, कहें भाई पैसा लगा रहे हैं ही मारा भाई ही, तो कोई बैठाऊँ कोई सिस्टम वो सीजना थोड़ा मेरे को तो थोड़ा ही। तो आपको मतलब जैसे वो सुभाष जी आपको कुछ बताते नहीं थे कि क्या किस में प्रोजेक्ट में क्या लगा? मैं पूछता किसने तो जैसे हर माता पिता को पता तो होता है कि उसके बेटा क्या काम कर रहा है किस तरीके का? वो तो भाई अंदाबाज है बेटे, कोई दलेर दलेर है, सिटी शिटी है भी कोई काम कर रहे हैं, आपा और क्या भी पूछा गया? लोगों का मतलब इतना कि इतने लोगों का पैसा लगा रखा है उसने या फिर वो कुछ भी नहीं पता था आपको इससे पहले? नहीं मैंने अभी आपको पता चल रहा है लोगों के, मैं क्या भी पूछो मन के पता क्यों के लगा रखी है ठीक है लगा रखी है, अपन तो कोई बार बताऊं जना भी रहने अपन के। ऐसे भी हैं जो आपके रिलेटिव हो या फिर आपके गांव वाले हो ऐसे भी लोग? तो रिलेटिव का तो मेरे को कोई आयु था रिलेटिव भाई मेरे पैसा लगा रहे, अब गांव वाला तो कई कम है कि पैसा मार लगा रहे। तो जो कहते हैं उनके पास प्रूफ थोड़ी होता है कि हमने लगाए क्या करें? प्रूफ तो मन तो कोई दिखाई कोई नहीं, अरे मैं पूछो भी कोई नहीं प्रूफ, मैं क्या भी पूछूँ, मैं संबंध में मैंने ABC कोई भी रोको नहीं भाई बेटे के है के नहीं है के सिस्टम है ना, मैं क्यों पूछूँ ठीक है। ये भी सही बात ना, क्योंकि अभी ये चीज ही तो हमें फाइंड आउट करनी थी कि एक्चुअली में स्कैम हुआ या नहीं हुआ। लोग आ रहे हैं तो ज्यादातर लोग सुन रहे हैं, तो कुछ यहाँ पे एक अंकल जी आए हुए थे, ये सर बता रहे देखिए हमने लगभग 10-15 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया था। अंकल क्या नाम अंकल जी? रामतार नाम। कहाँ से आए हो? आपको इस जैसे स्कीम के बारे में पहले तो कब पता चला था या कब किसने बताया? तो रणवीर विजयन ने मेरा पड़ोसी है, उसी के द्वारा पता चला कि ऐसी कोई स्कीम है। तो फिर उसने मतलब फर्स्टली आपको क्या समझाया कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, कितने पैसे आप लगाओगे तो कितने मिलेंगे आपको? वो तो दुलेरा गए थे, खुद देख के आए थे, प्रोजेक्ट देख के आए थे आप? हाँ जमीन खरीद रखी थी, वाला जमीन खरीद रखी है ये। अभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वगैरह का? नहीं नहीं काम तो नहीं चल रहा था, जमीन ली हुई थी, चारों तरफ उसकी बाउंड्री भी थी, मतलब ये जमीन है, ये है, ये है, यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। वहाँ पे कुछ बोर्ड साइन वगैरह भी थे कि ऐसे कोई प्रोजेक्ट है? बिल्कुल, नेक्सा एवरग्रीन का बोर्ड, नेक्सा एवरग्रीन का लगा था, दुलेरा सिटी थी उसमें नेक्सा एवरग्रीन। ये कितने पार्टनर थे आपके साथ? मेरे हिसाब से तो 3 होंगे, और भी होंगे लेकिन 3 का तो पता है, सुभाष, रणवीर बिजानिया, मनवारी मेरिया। तो आपने जो पैसे लगाए थे कब लगाए थे आपने? 8 जुलाई को। 8 जुलाई से पहले आपने इसके बारे में कुछ पता नहीं था? 8 जुलाई को आपने पैसे लगाए? 8 जुलाई कितने तो था लेकिन लगाया? 8 जुलाई कितने लगाए? तकरीबन 14-14.5 लाख रुपए, फिर 2 लाख और आगे उसके अंदर मतलब बेनिफिट आपको दिखा दिया? नहीं नहीं 2 लाख रुपए और उसके वो बोनस बन गया था, और लगा दिए थे उसका बोनस मिला। ये तो बता रहा हूँ जैसे आपने 14 लाख रुपए लगाए, उसके बाद में जो 2 लाख रुपए, हाँ तो रिवार्ड 2 लाख रुपए कितने दिन में बना था? वो तो लगाते 1 महीने बाद में आ गए। 1 महीने बाद में 14 लाख रुपए के 2 लाख रुपए रिवार्ड बन गया था इनको, और वो पैसे इनके अकाउंट में दिखाई? नहीं नहीं वो वैसे दूसरे एजेंट के द्वारा, एजेंट के द्वारा ऐसे मिले थे, मतलब अकाउंट में नहीं दिखाते। उसके बाद में जैसे अभी आपको पता कब चला कि हाँ अब संपर्क हमारा टूट रहा है, या कंपनी का जो वेबसाइट थी उसको लोग बता रहे हैं, यहाँ पे जो ऑफिस थे वो भी 15 दिन पहले पता चल गया कि अब ये कंपनी बंद होने वाली है? होने वाली है, तो होने से पहले तो आपने फिर संपर्क करने की कोशिश नहीं की? संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वो थोड़ी बताते हैं कि भाई हम बंद कर रहे हैं, वो तो यही कहेंगे चालू है, कौन कह रहा है बंद हो रही है। और इनके जो ऑफिसेज थे आपने कहीं तो यहाँ पे ऐसे देखे होंगे कि ये ऑफिस है, इनमें अपनी जो ग्रोथ है उसका हमें पता चलता? ग्रोथ का कैसे पता चलता है कि कितना बोनस हो रहा है कितना, ये एजेंट के थ्रू पता चलता है फिर डायरेक्ट फोन भी आता है? नहीं नहीं वो तो एजेंटों के द्वारा पता चलता है, वो जैसे आप से बात करते हैं बताते हैं उस हिसाब से, और कोई हम जाकर के थोड़ी देखें वहाँ अमर भाई क्या हो रहा है क्या, जमीन खरीद रहे हैं वहाँ इस भाव में जमीन मिल रही है, आगे भाव बढ़ेंगे, स्मार्ट सिटी बनेगी, ये तो सपने दिखाए थे, उन सपनों के आधार पर हमने लगा दिया कि भाई हाँ ठीक है पैसे तो आएंगे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में वो जैसे अब लास्ट एंड तो होता ही है, ये तो हमें पता था कि एक दिन बंद तो होनी होनी है,
देखिए 14 लाख रुपए के अगर दो एक महीने में 2 लाख रुपए बोनस मिल जाते हैं तो वो कंपनी मतलब बेनिफिट किस हिसाब से दे रही होगी, और अब जब आपको मतलब पता चला कि ये अभी डूबने वाले हैं तो आपने पैसे निकाले क्यों नहीं? पैसे तो निकाले कहाँ, वो तो पैसे तो आते थे एजेंट के द्वारा, जैसे वो वॉलेट में निकालते थे ना, वॉलेट में जैसे कोई एजेंट है वो वॉलेट में निकाल करके हमें दे देता, और जैसे मतलब शनिवार को वॉलेट में पैसे आते थे, और अगर नहीं वॉलेट में निकालते तो वो अकाउंट में आ जाते थे मंगलवार को। ये बात तो ये अपडेट होती रहती थी। अभी लास्ट जो पैसा आया था वो कब आया? लास्ट वॉलेट के द्वारा आया था। कब आया था? इससे पिछले मंगलवार को। इससे पिछले मंगलवार को इनके अकाउंट में पैसे आए हैं? अच्छा, वॉलेट के अंदर आए। वॉलेट का मतलब क्या है? तो वॉलेट का मतलब एजेंटों को पता है, देखो मैं तो काम नहीं करता ऐसा काम ही नहीं करता। ये बात वॉलेट की। तो अभी आपके पैसे कितने डूब गए? अब 4.5 लाख रुपए, और आपने 10 लाख रुपए वापस निकाले? 12 लाख रुपए आगे 16.5 लगाए थे, जैसे वॉलेट आया ना मेरे पास में, जैसे उनके रिवार्ड मिला था 2 लाख, वो भी लगा दिया मैंने वापस, उसी में लगा दिए, 14 की 16.5 हो गए, तो फिर वो 12.5 तो आ ही गए थे, अब बाकी 4.5 अपने रह गए खुद के। ये अब क्या लगता है आपको, क्योंकि बहुत सारे धोलेरा से भी कुछ वीडियोस आ रहे हैं जिनमें ये बता रहे हैं कि भाई देखो ये नेक्स्ट एवरग्रीन हमारी कंपनी सस्टेनेबल है, अभी भी है और ये सस्टेनेबल है, ऐसे नहीं कोई भाग गए कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका सिर्फ यहाँ पे यहाँ के जो एजेंट्स थे या फिर यहाँ से जिन लोगों ने पैसा लिया है सिर्फ उनका संपर्क टूटा है, ना कि कंपनी किसी बंदा है कुछ नहीं, तो कंपनी चल रही है नहीं कोई और है, और ऐसे नेट के मतलब फेसबुक पर दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी कंपनी मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी एक नेम का थाना आया तो फौजी बेचारा, वो बोले मैंने मेरी सारी कमाई 32 लाख रुपए उसमें लगा दिया अक्टूबर में, एक 8 लाख रुपए आए वो भी उसी में लगा कर 40 लाख रुपए हो गए, लेकिन अभी मेरे रो रहा बेचारा, वो बोला मैं आत्महत्या करूँगा, या तो मेरा पैसा का कोई रास्ता हो जाए वरना आत्महत्या करूँगा। मेरे बोले मेरे गाँव के जितने भी हैं न उन सब के पैसे लगा दिए, और गारंटी पर लगा दिए मैंने 4 करोड़ रुपए गारंटी पर लगा दिए सबके, किसी के 5 किसी के 10। अब बोले मैं घर पे कैसे जाऊँ, वो मेरे से पैसे मांगेंगे, अगर मैं घर पर जाऊँगा मैं तो घर नहीं जाऊँगा, अभी मैं शिकर में रहूँगा। कुछ ऐसा कुछ एविडेंस था जिससे कि हाँ ये हमने ये लिखित में ये पैसे दिए हैं, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं आपने भी आपके पास भी एविडेंस तो नहीं है ना लिखित में? नहीं है एविडेंस तो ये है ना, नहीं है डायरेक्ट जैसे कंपनी के खाते में जो भेज रहे हैं उनके पास तो है एविडेंस, भाई खाते में जा रहे हैं तो वो तो प्रूफ है, लेकिन खाते में नहीं जा करके नकदी दे दिए किसी को उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका प्रूफ नहीं है। हाँ, ये मतलब लोगों के पैसे तो कैसे न कैसे करके डूबेंगे, क्योंकि जिन जिनको नकदी दे दिया या फिर जिनको वॉलेट के नाम से ये चला रहे हैं कि एजेंट के थ्रू इनको पैसा मिलता है, एजेंट के थ्रू पैसा जमा होता है, तो वो जो सारा सिस्टम था वो ब्लैक मनी थी, और ब्लैक मनी को आप कैसे भी करके, क्योंकि जो जिसने इन्वेस्ट किया वो भी शिकायत नहीं कर सकता, यहाँ पे बड़ा घपला सामने आ जाता है। फिर उसके बाद में जो लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो लाचार हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। अंकल जैसे बता रहे हैं कि 4 लाख रुपए, और इनको पता है कि अभी ये इनका कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि लगभग कंपनी का सिस्टम इनके हिसाब से तो कहीं सस्टेन नहीं कर रहा, वो कंपनी भी नहीं है और सब खत्म हो चुका है एक तरीके से। अभी क्या आपने एक मतलब एक लाइफ से एक लेसन लिया, आपने एक सबक सीखा है? बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग होंगे जो नेक्स्ट टाइम आने वाले, जैसे इस तरह की अभी स्कैम चल रही है, जी चल रही है, कोई जयपुर में सुन रहे हैं कि जैनी बढ़िया है, वो 1 के 3 दे रहे हैं, 1 रुपए के 3 1 लाख के 3 लाख रुपए वो भी चल रही है महीने में, नहीं वो दे रहे हैं 14 महीने में, 14 महीने में 1 लाख रुपए के 3 लाख रुपए दे रहे हैं, मतलब 2 लाख रुपए का बेनिफिट दे रहे हैं। ऐसी और भी तो आप कि विदेशों से हम कॉइन खरीद रहे हैं, मतलब कैसे दे रहे हो? बोले विदेशों से एक कॉइन मंगा रहे हैं, जैसे 1 रुपए की 15 कॉइन आ रही है तो हमें 15 बच रहे हैं, तो हम 3 क्यों नहीं देंगे? ये चक्कर है, वो कॉइन क्या होती है मेरे को तो पता भी नहीं है। तो साथियों आपने जो भी देख रहे हैं, जो लोग जितने लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो इस तरीके की चीज़ों पे बिलीव करते हैं, या फिर मतलब अपन कहते हैं ना कि खरी कमाई होती है, उसमें ज़्यादा बिलीव करने के बजाय वो चाहते हैं कि हम स्कीमबाजी से या मार्केटिंग से ऐसे कर लेंगे, मार्केटिंग का जमाना है, डिजिटलाइजेशन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी कमा सकते हैं। एक्चुअली जो है ना कहीं ये रियलिटी सामने आ जाती है बाद में लोगों की, और फिर वो इस तरीके से एक्सपोज होते हैं, और उसके बाद में जैसे चिड़िया खेत सूख जाती है उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। तो साथियों जैसे हमने घर वालों से बात करने की कोशिश करी, जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टर्स से उनसे भी बात करी, तो हमने सब नहीं पाया कि हाँ एक्चुअल में पैसे लोगों का लगा है, और अभी उनका तो पता है नहीं कि वापस कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अकाउंट में जो पैसे आते थे जो वॉलेट के थ्रू आते थे वो बंद हो गए हैं एक बार के लिए। तो
तो अब ये कहना मुश्किल है कि पूरी तरीके से पैसे लोगों के बर्बाद हो गए या फिर हो सकता है कुछ दिन बाद में वापस आ जाएं, क्योंकि कुछ वीडियोज से भी हमने देखे हैं जिनमें धोलेरा से जो सिटी है उसको दिखा रहे हैं कि नहीं अभी कंपनी जो है सस्टेन है, अभी वो अस्तित्व में है, अभी कप्तान नहीं हुई है कुछ ऐसा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में वापस उनको कुछ मिल भी सके, लेकिन अभी स्थिति जो है बिल्कुल अनक्लियर है और आने वाले टाइम में ही देखना होगा कि क्या होता है इन लोगों के पैसों के साथ। और जिन लोगों के साथ में हुआ है उन लोगों को एक सबक जरूर लेना चाहिए कि इस तरीके की स्कीम में दोबारा से फंसने की कोशिश ना करें। और जो लोग ऐसे चीज़ों में बिलीव करते हैं उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी एक रियलिटी पता चले कि वास्तव में जो हार्डवर्क होता है उसका पैसा ही काम आता है। साथियों, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इनके जो जो पिताजी हैं उनसे बातचीत करी, तो वे ये बूढ़े इनको पता भी नहीं है कि एक्चुअल में उनका जो बेटा था करता क्या था या फिर क्या। लोग आ रहे हैं बार बार इनको ही परेशान कर रहे हैं कि सर इसने इसने किया। अब इनको ये भी नहीं पता कि एक्चुअल में विक्टम्स हैं वो लोग, इन लोगों ने पैसे लगाए या फिर नहीं लगाए। तो ये इतने परेशान हो रखे हैं, मतलब बूढ़े आदमी हैं, कुछ भी हो सकता है, इतने परेशान लोगों ने लोग आकर इनको कर रहे हैं, तो इनको एक्चुअल में पता भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। क्योंकि हमने जैसे ही रस्ते में हमने किसी से पूछा, सब लोगों ने बताया कि हम भी जाके आए, हम भी जाके आए। तो एक्चुअल में और जो एजेंट हैं वो तो और भी हैं, तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं मुझे लगता है एक बार उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं बार बार यहाँ आके, क्योंकि इन लोगों को एक्चुअल में नहीं पता कि कौन किसने पैसे लगाए किसने नहीं लगाए। अब जिसने नहीं लगाए वो भी यहाँ पे आते हैं, वो भी आके माहौल देखने के लिए आ जाते हैं। आप किसी घर पे इस तरीके से जाते हैं तो मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसलिए ह्यूमन होने के नाते कि मैसेज आप जरूर लोगों तक पहुँचाना इसको। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर करना और जुड़े रहेगा न्यूज़ 24 से कवर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।